देश में मौसम अजीब करवट ले रहा है। कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ जगह IMD ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पहले बात करते हैं गर्मी वाले राज्यों की। इस समय देश के 6 राज्यों में लू चल रही है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यहाँ पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण और तेज धूप होने की वजह से दोपहर के समय लोगों ने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। हालांकि सूरज ढलने के बाद कुछ हद तक गर्मी से निजात मिल जाती है, लेकिन अब रात में भी ठीक ठाक गर्मी बढ़ने लगी है। गर्मी को लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर, दफ्तर या अपने प्रतिष्ठान से बाहर निकलें। गर्मी से घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। घर में बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। दिल्ली में भी UP जैसा ही हाल है। गर्मी के कारण लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी से ऐसा हाल हो गया है कि अप्रैल में ही जून जैसे हालात लग रहे हैं। दोपहर में सड़कों पर आवाजाही भी कम दिखाई दे रही है। वहीं बारिश की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने में आंधी और बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल में यहाँ इस महीने में बारिश हुई है। इस बार भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने की संभावना है। 7 अप्रैल से 2 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। IMD भोपाल के अनुसार 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर 1-2 दिन बाद प्रदेश में देखने को मिल सकता है। खासकर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश जहां तेज गर्मी पड़ रही है, वहां भी 2-3 दिन के अंदर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 8 अप्रैल को पश्चिमी UP में मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि पूर्वी UP में कहीं कहीं बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। इसी तरह 9 अप्रैल को भी पूर्वी UP में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। खासतौर से अगले 3-4 दिन में यहाँ तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही गई है। इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।